अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, एंटी कैंसर ड्रग्स में साइटोप्रोटेक्टिन ड्रग्स। तो साइटोप्रोटेक्टिन ड्रग्स जो हैं, ये कौन से ड्रग्स हैं? ये वो ड्रग्स हैं स्पेशली, दीज आर दी कैंसर ड्रग्स विच कैन डिमेज दी नॉर्मल सेल्स ऑफ द सीएनएस। साइटोप्रोटेक्टिन ड्रग्स ये वो ड्रग्स हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नॉर्मल सेल्स है उसको भी डिमेज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैडर्स और किडनीज, लंग्स और हार्ट के जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं उसको डैमेज कर सकता है। तो कहने का मकसद यह है कि जो कैंसर ड्रग्स हैं विच कैन डिमेज योर नॉर्मल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ योर ब्लैडर ऑफ योर किडनी लंग्स एंड हार्ट, सो द साइटोप्रोटेक्टिन ड्रग्स दे आर एक्चुअली यूज टू हेल्प टू मैनेज द साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरापी। साइटोप्रोटेक्टिन ड्रग्स अगर ड्रग्स दी छिदागे पसरिया बानी मंगा चिकम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कई कीमोथेरापेटिक एजेंट्स अगर भी हम मंगा मैनेज करो। कहने का मकसद ये है कि जो कीमोथेरापेटिक एजेंट है, स्पेशली वो ड्रग्स जो हम कैंसर के खिलाफ यूज करते हैं लाइक मीथोट्रेक्सेट, तो वो असल में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो असल में ये साइटोप्रोटेक्टिन ड्रग्स जो हैं, ये असल में कीमोथेरापेटिक एजेंट का जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको मतलब मैनेज कर सकता है, ठीक है ना, एडजस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल में कुछ ड्रग्स हमने मेंशन किया है, इसमें मेस नो है, न्यूपोजेंस हैं, इसके अलावा लिनोग्रेस्टिम है, प्रोक्रेट है और ल्यूकोवोरिन्स और डेराजोक्सेन है। इसके अलावा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कीमोथेरापी सिलेक्शन, कीमोथेरापी सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कीमोथेरापी सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते, उस पे असर अंदाज हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले ब्लड ब्रेन बैरियर्स एंड द सेकंड वन इज साइटो प्रोटेक्टिन ड्रग्स एंड द थर्ड वन इज लाइपोसोम्स पेट बॉडी एंड द फोर्थ वन इज ड्रग रेजिस्टेंस। ये असल में वो फैक्टर्स हैं जो आपके कीमोथेरापी सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये फोर जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट मीन दैट यू विल हैव टू डू मच केयर अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। पेशेंट्स फैक्टर कंसीडर इन कीमोथेरापेटिक ड्रग सिलेक्शंस। अब वो कौन से पेशेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको हम मतलब कंसीडर कर सकते हैं कीमोथेरापेटिक ड्रग सिलेक्शन में। तो इसमें सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे पहले पेशेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर कीमोथेरापी, इसको आपने प्रॉपरली रिव्यू करना है। पेशेंट के आया पेशेंट एलिजिबल है कीमोथेरापेटिक एजेंट जो है पेशेंट को हम मतलब दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या कैंसर सेल हिस्टोलॉजी टाइप, इसको भी आपने इसका जो मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तो मतलब यू मस्ट विल हैव ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है कि किस रेट से इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी आपने डिटरमाइन करना है। और ट्यूमर लोकेशन भी आपने लोकेट करना है कि किस जगह पे ट्यूमर मौजूद है, ठीक है, आया लोकलाइज है, बिनाइन है, मलेग्नेंट है, ठीक है। और ट्यूमर बर्डन जो है, दे आर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ये डेटा मैंने लिया है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग क्लिनिकल रेफरेंसेस फर्स्ट एडिशन 2004। सबसे पहले आपने ये भी जरूरी है कि ड्रग डोजेज कैलकुलेशन किस तरह करना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
recommendation is important, route of chemotherapy administration is important, that how we can administer the drug to the patient. Another one is oral routes. So there are different routes of drug administration of oral therapeutic drugs. One is oral routes, that is the second one is intravenous, and then topical in intracavity, intraperitoneal and intrathecal. कैविटीज़ में जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, या एब्डोमेन में जो हम ड्रग्स वगैरह इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं. इसके अलावा इंट्राथीकल जो है, ठीक है, जिस तरह स्पाइनल है एंड मेनी एंड मोर. ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल तो है कि ओरली एक आप जो है एक ड्रग जो है पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इट इंक्लूड द आईवी पिगबैक सिस्टम एंड आईवी पुशेस एंड आईवी इन्फ्यूजन. सो यू विल हैव टू टेक मच केयर. सो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन इन्फ्यूजन, सो देयर मस्ट बी एन एक्सपर्ट पर्सन हाउ टू एडमिनिस्टर ए ड्रग टू द पेशेंट्स, लाइक द पिगबैक सिस्टम एंड आईवी पुशेस एंड आईवी इन्फ्यूजन. इसी तरह जो इंट्राथीकल कीमोथेरापी है, इंट्राथीकल कीमोथेरापी का मतलब ये होता है कि दिस इज जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनेंजियल कार्सिनोमा. खुदा ना खौस्ता अगर कोई पेशेंट है उसको मेनेंजियल, उसके मेनेंजीज में एक कैंसर है, कार्सिनोमा है, एंड यू नो अबाउट मेनेंजीज विच इज ए ट्रिप्लेट लेयर ऑफ द ब्रेन, वन इज पायामीटर, ड्यूरामीटर एंड एराकिनाइड. तो स्पेशली इंट्राथीकल कीमोथेरापी है, इसमें ज्यादातर जो स्पेशली मेनिनजाइटिस या मेनिनजियल कार्सिनोमा के जो पेशेंट हैं, ठीक है, उसमें हम इंट्राथीकल जो है इंट्राथीकल रूट के जरिए, ठीक है, मेनिनजीज में हम ड्रग जो है वो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं. इसके अलावा सी एन एस प्रोपाइलेक्सिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोपाइलेक्सिस, फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से, इसमें इसमें एक मीथोट्रेक्सेट है और एक साइटरीबीन है. ये हम एंट्राथीकल एज अ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट हम यूज कर सकते हैं, एंड यूजुअली दे आर एडमिनिस्टर इन द मेनिनजियल कार्सिनोमा. इसके अलावा जो इंट्राकेविटी है, इंट्रा वेसिकल इंस्टिलेशन है, विच इज आल्सो यूज फॉर द स्पेशली ब्लैडर का जो कैंसर है, ठीक है, और केविटीज में स्पेशली इंट्राकेविटी या इंट्रा वेसिकल इंस्टिलेशन जो हम करते हैं. वैसे इंस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि ईयर में जो ड्रग्स वगैरह, ठीक है, ईयर के जरिए जो ड्रग्स हम इंस्टिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप्स वगैरह जो है, ठीक है, इसको हम इंस्टिलेशन कहा जाता है. तो अगर किसी को ब्लैडर कैंसर है, लाइक इंस्टिलेशन ऑफ मेटोमाइसिन्स और अनकोटिस इन द ब्लैडर्स, ठीक है जी. अब सबसे जो जरूरी चीज है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ यू विल हैंडल द पेशेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू असिस्ट द पेशेंट कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर एंटी न्यूप्लास्टिक एडमिनिस्ट्रेशन. Before administration of anti-neoplastic administration, you will have to assess and check the patient condition, either the patient is alert or he or she is sleeping. So you will have to check the oral profile of the patient, and then after that check for the, you can say, a condition like anemia. अच्छा, स्पेशली एक पेशेंट जो है वो एनीमिक तो नहीं है. इसके अलावा जो है माल न्यूट्रिशन, यू विल हैव टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ द माल न्यूट्रिशन, वेट लॉस एंड पेन एंड इन्फेक्शन. सो ऑल दीज क्लिनिकल पैरामीटर्स शुड बी अंडर इन्वेस्टिगेशंस.
एंड यू शुड ऑल्सो एसिस फॉर द अदर डिजीज एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। ये भी आपने एसिस करना है कि इस पेशेंट को तो कोई मतलब इस डिजीज के अलावा और डिजीज तो नहीं है, ऑर्गन डिसफंक्शन इसमें कार्डियक रेनल और हेपेटिक आता है, ठीक है, कार्डियक डिजीज तो नहीं है, रेनल या हेपेटिक डिजीज तो नहीं है, तो यू विल हैव टू ऑब्जर्व ऑल दीज केसेस। अच्छा, आफ्टर दैट यू विल हैव टू असेस द इमोशनल स्टेटस, कोपिंग मैकेनिज्म, फैमिली रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियली रिसोर्सेस। सो दिस इज क्लियर दैट यू आर आल्सो रिस्पांसिबल टू असेस द इमोशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट टू कोपिंग द मैकेनिज्म। टू कोपिंग द मैकेनिज्म का मतलब यह है को especially to invest one own conscious efforts to solve the person, उसके problem को आपने जो है treat करना है, problem को आपने solve करना है, ठीक है? Family relationships and financial resources इसको भी आपने देखना है। इसके अलावा lab status को आपने भी review करना है। Lab status में complete blood count है, erythrocyte sedimentation rate in electrolytes, blood urea nitrogen and creatinines. So all these parameters, the lab investigation is important for the, especially those patients who are suffering from the cancer. Promote the weight control. This is also very important. And encourage the fluid intake to promote the hydration. Hydration ko bhi aapne promote karna hai. 2 to 3 liters to prevent the cystitis. Ke patient ko cystitis na ho. Theek hai na? इसके अलावा कैलकुलस, कैलकुलाई वगैरह, स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है जी। अच्छा, तो फ्लूइड इंटेक लेना है, ठीक है, फ्लूइड को प्रॉपरली जो है आपने लेना है, ठीक है, ताकि आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर बैलेंस है, वो मेंटेन हो जाए। 2 से लेके तकरीबन 3 लीटर तक चाहिए, ठीक है, ताकि सिस्टाइटिस को हम एवर्सिस्टाइटिस असल में इन्फ्लेमेशन ऑफ दी यूरिनरी ब्लेडर को हम कह सकते हैं, यूरिनरी ब्लेडर इन्फेक्शन होता है उसको सिस्टाइटिस कहा जाता है। कैलकुलस, कैलकुलाई, स्टोन्स फॉर्मेशन। इसके अलावा आपने जो है एंटीएमेटिक ड्रग्स भी एडमिनिस्टर करना है एंड एंटासिड्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। कीमोथेरापूटिक एजेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आपने एंटीएमेटिक्स पेशेंट को देना है, और इसके अलावा जो एंटासिड्स है वो भी आपने पेशेंट को इनकरेज करना है। To encourage the client to avoid smoking को avoid करना है, इसके अलावा alcohol consumption को आपने avoid करना है, educate regarding the action, और फिर आपने उसको educate भी करना है, ठीक है, कि इस drugs के नुकसानात किया है, ठीक है, इसके फायदे किया है। So all these systems should be under review. अच्छा, तो अब हम handling of anti-neoplastic drugs, anti-neoplastic drugs जो है इसको हम हैंडल किस तरह करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सेफ हैंडलिंग गाइडलाइंस पे है कि किस तरह आप एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक ड्रग्स जो है इसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, दोज हु आर इन पाकिस्तान और दोज हु आर अब्रॉड। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय लेक्चर, सो आई विल tell you and I can provide you different type of service if you need it in soft form or hard form, so I can share with you people. So thank you so much once again for watching my lecture. So if you didn't subscribe my channel, so kindly subscribe it and also press the bell icon for my upcoming lecture. Wish you all the best.